सदर सांसद एवं भोजपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवि किशन के बड़े भाई रमेश शुक्ला का निधन हो गया है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली। मिली जानकारी के मुताबिक 52 वर्षीय रमेश किशन लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रवि किशन ने ट्वीट करते हुए अपने भाई रमेश किशन के निधन की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने भाई को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। सदर सांसद रवि किशन ने ट्वीट में अपने भाई रमेश किशन की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दुखद समाचार, आज मेरे बड़े भाई श्री रमेश शुक्ला जी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में दुखद निधन हो गया है। बहुत कोशिश किया लेकिन बड़े भाई को बचा नहीं पाया। पिताजी के बाद बड़े भाई का जाना पीड़ाजनक है। महादेव आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। कोटि कोटि नमन, ओम शांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के भाई रमेश किशन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज ने गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन के अग्रज भाई रमेश शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराज जी ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। सदर सांसद रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन की उम्र 52 साल थी। रमेश लंबे वक्त से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में रमेश किशन का इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सदर सांसद रवि किशन और उनके भाई रमेश किशन मुख्य रूप से जौनपुर ज़िले में केराकत कोतवाली क्षेत्र के बिसुई बराई गांव के निवासी हैं। गोरखपुर न्यूज़ से दूरभाष पर बात करते हुए सदर सांसद एवं भोजपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवि किशन ने बताया कि उनके बड़े भाई का पार्थिव शव दिल्ली से वाराणसी लाया जा रहा है, जहाँ पर गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सदर सांसद रवि किशन ने ट्वीट किया कि पिछड़े सभी बारी बारी बचपन की यादें आपके साथ, वो आपका कवच बन मेरी रक्षा करना, साथ में खेलना लड़ना फिर मना लेना सब याद आएगा। रमेश भैया अब आपको ले जा रहा हूँ वाराणसी पिताजी के स्थान, सोचा था दिल्ली इलाज कर बचा लूँगा लेकिन नहीं बचा पाया। ओम शांति शांति।